तो हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं कि किल ट्रैकर ये स्मार्ट वॉच का नाम है, तो ये मैंने ले लिया है। ये स्मार्ट वॉच बिल्कुल एक एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच है, 4G स्मार्ट वॉच है जो बच्चों के लिए है। तो इसमें बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको सामने ही बॉक्स पे देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए इसका इस चीज को मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि आखिर इसमें क्या सच में वो फीचर्स हमको मिलता है या नहीं मिलता है, आखिर इसमें कैसा कैसा फीचर्स वर्क करता है, कौन सा फीचर्स वर्क नहीं करता है। आपको लेना चाहिए नहीं अपने बच्चों के लिए, आपको ये स्मार्ट वॉच बेस्ट है या बेस्ट नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको उसी चीज के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको कम प्राइस में अपने बच्चों के लिए स्मार्ट वॉच वो कैसे लें। आप इसे जैसे कि आपको देख सकते हैं इसमें फीचर, सबसे मस्त फीचर इसमें इसका मेरे को ये लगा कि इसमें GPS इनेबल मिल जाता है, टू अवे कॉलिंग मिल जाता है, SOS बटन मिल जाता है। तो इसमें बहुत सही बात है कि आपका अगर बच्चा कहीं पर भी जा रहा है खेलने या कहीं पर भी जा रहा है तो आप उसे डायरेक्टली यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। उसमें SOS बटन भी दिया है, कॉलिंग भी दिया है, तो इसमें काफ़ी सही फीचर्स वो मिल जाते हैं। बाकी आप लोग देखिएगा तो इधर भी कुछ फीचर्स को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। बाकी बैक साइड में आप लोग देखिएगा तो आपको EMI नंबर और ID कुछ दिया है, पता नहीं क्या है। बाकी आप लोग MRP देखिएगा तो 7,999 रुपीस आपको यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन ये आपको इतना का नहीं पड़ता है। आपको प्राइस के बारे में जानना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका बाय लिंक है वो डाल दिया हूँ, तो आप जाकर उसे क्लिक करके इसका प्राइस है वो देख सकते हैं कितना है। बाकी आपको इसका प्राइस है वो ज़्यादा नहीं है, तो आप एक बार क्लिक करके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं इसका प्राइस कितना है। बाकी आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे कलर वगैरह मेंशन किया गया है कौन सा कलर है। बाकी आपको यहाँ पे मॉडल देखे तो है MT12 इसका का मॉडल है, और इसमें बहुत सारे फीचर्स को इधर इंडिकेट किया गया है, एड्रेस इंडिकेट किया गया है, ईमेल ID। और बाकी आप लोग देखिएगा तो कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पे ब्रांड बॉक्स का नाम है, और बाकी इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। बाकी जैसे हम बॉक्स को ओपन करेंगे, बॉक्स को ओपन करते आप लोग देखते हैं इसका लुक है वो आपको सामने देखने को मिलेगा। जैसे हम इस वॉच को बाहर निकालेंगे इसमें से, तो इसे बाहर निकाल कर से साइड में रखते हैं। बाकी इसमें देखिएगा तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है, तो इस स्मार्ट वॉच में स्क्रू ड्राइवर पता नहीं क्या होगा, तो चलिए इसे साइड में रखते हैं, इसमें देखते हैं कहीं ना कहीं वक्त होगा। बाकी इसके साथ ही हमको यहाँ पे मैग्नेटिंग चार्जिंग केबल है वो मिल जाता है, तो काफ़ी सही बात है कि इसमें भी मैग्नेटिंग चार्जिंग केबल आता है। बाकी आप लोग DZ09 स्मार्ट वॉच में आप लोग देखे होंगे, वो भी एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच है, उसमें आपको मैग्नेटिंग नहीं मिलता है, तो उसका चार्जिंग पिन काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मेरे को काफ़ी ज़बरदस्त लगा क्योंकि इसमें मैग्नेटिंग दिया गया है। तो और इसमें देखिएगा तो आपको देखते हैं कि क्या इसमें शायद से मैनुअल हमको मिल जाता है, तो मैनुअल एक बार पढ़ लेते हैं। और इसके साथ एक और कागज़ मिला है, और इसके साथ ही आपको यहाँ पे वारंटी कार्ड के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा वारंटी कार्ड के लिए आपको दिया गया है, तो हमको वारंटी कार्ड तो यहाँ पे फिल करके नहीं मिला है, हमको इनवॉइस से ही इसका वारंटी रिप्लेस हो जाएगा। बाकी आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आपको मैनुअल मिल जाता है, मैनुअल भी काफ़ी ज़बरदस्त इसमें दिया है, तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो इसमें टोटली फीचर्स है उसको इंडिकेट किया गया है, और यहाँ पे देखिएगा तो आपको कहाँ से किस तरह से, जैसे कि यहाँ से आपको सिम कार्ड डालना है, और ये एक आपको बैक बटन यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे आपको रीसेट बटन मिल जाता है, और यहाँ पे पावर बटन मिल जाता है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। तो चलिए फटाफट से हम अपने स्मार्ट वॉच को ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं वो मिल रहे हैं। तो जैसे हम इसे स्मार्ट वॉच को इस प्लोथिन से बाहर निकालेंगे तो आपको दिखा देते हैं कि आखिर इसका क्वालिटी, तो मेरे को काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है क्योंकि इसका स्टेप है वो सिलिकॉन क्वालिटी का है। देखते इसका स्टेप रबड़ का बनाया गया है, सिलिकॉन का, तो इसको कितना भी इस तरह कर लीजिएगा तो ये कभी ख़राब होगा ही नहीं। और बाकी आप लोग देखिएगा लुकवाइज, तो लुकवाइज भी इसको मेरे को काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। और बाकी बैक साइड में आप लोग देखिएगा तो बैक साइड का आपको लुक खुद देख लीजिए, बैक साइड का लुक आपको कैसा दिख रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो आपको 4 पिन आपको दिख रहा होगा, इससे ये चार्ज होगा। बाकी आपको यहाँ पे EMI नंबर और 4 स्क्रू आपको मिल जाता है। और बाकी आप लोग यहाँ पे साइड में देखिएगा तो आपको यहाँ पे बटन से वो मिल जाते हैं, यही बटन से, और बाकी ये रहा इसका स्पीकर। और इधर देखिएगा तो आपको यहाँ पे सिम टूल है वो मिल जाता है। बाकी आप लोग यहाँ पे साइड में देखिएगा तो साइड में आपको यहाँ पे स्क्रू दिख रहा होगा जो सिम कार्ड को इंस्टॉल करने के लिए है, तो शायद से हमको स्क्रू इसीलिए मिला है इसको यहाँ से खोलने के लिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ से स्क्रू को खोल लेना है, और इसमें सबसे पहले हम यहाँ से सिम कार्ड को डालते हैं, उसके बाद से देखते हैं कि आखिर ये कैसा वर्क करता है।
तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से सिम कार्ड को कुछ इस प्रकार से इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो हम एयरटेल का सिम डाल रहे हैं, तो इसमें हम चेक करेंगे दो तीन सिम डाल करके आखिर ये इसमें वर्क करता है नहीं। देखते फाइनली सिम कार्ड को डाल दिया है, उसके बाद से हम जिस तरह से इसको लगाया गया था उस तरह से मैं फिर से यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। और फाइनली हमारा इसमें स्मार्ट वॉच में मैंने सिम कार्ड है वो डाल दिया है। और इस बटन को जैसे हम इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करते ही शायद से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ आवाज़ करेगा, तो इसका आवाज़ भी आप लोग देख सकते हैं बहुत लाउडली इसका आवाज़ भी आ रहा है। और बाकी आपको सामने की साइड में आप लोग देखिएगा तो कैमरा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो फ्रंट साइड पे आपको कैमरा है तो काफ़ी ज़बरदस्त बात है। बाकी आपको यहाँ पे एक ही बटन से यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन हमको बॉक्स पे मेंशन किया गया था SOS बटन के लिए, लेकिन SOS बटन इसमें हमको नहीं मिलता है। तो एक बार हम फिर से इसे बाद में ट्राई करेंगे। बाकी इसमें हम कुछ फीचर्स को इंडिकेट करेंगे और कुछ फीचर्स को हम लंबा वीडियो हो जाएगा तो छोड़ देंगे, उसको हम अगले वीडियो में मतलब जैसे ही अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में हम इसका A to Z फीचर्स है उसको बताने वाले हैं कि आपको आखिर आपको लेने से आपका पैसा वेस्ट होगा या नहीं होगा, इसमें कौन कौन से फीचर्स है वो रियल मिलते हैं, कौन कौन से फीचर्स है वो फेक मिलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे गैलरीज होगा, और बाकी आपको यहाँ पे आइएगा तो मेक फ्रेंड यहाँ से अपना फ्रेंड भी बना सकते हैं, और यहाँ पे जाइएगा तो स्टेप कितना चले हैं वो भी बताएगा। यहाँ पे डिवाइस इन्फॉर्मेशन पे आइएगा तो आपको यहाँ पे QR कोड और इसका कुछ इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे डायल है और फोन बुक, और यहाँ पे कैलकुलेटर भी आपको मिल जाता है। बाकी आपको यहाँ पे कैलकुलेटर में आने के बाद जैसे आप लोग यहाँ से स्टार्ट करिएगा तो यहाँ पे देखते हैं 1-0, तो यहाँ पे देखिएगा तो गेम ओवर हो गया। तो यहाँ से आपने दिमाग का यहाँ से आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि मेरा दिमाग कितना परसेंट चल रहा है। तो यहाँ पे गेम मिलता है कैलकुलेटर वाला, तो ये मेरे को फीचर्स काफ़ी ज़बरदस्त लगा। सबसे ज़बरदस्त तो मेरे को यही लगा कि आप इसे बैठे बैठे कभी भी मतलब अपने बच्चों को यहाँ से गेम भी खेल लीजिएगा और आपका दिमाग भी यहाँ से रीड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 1+4, तो यहाँ से राइट और रॉन्ग यहाँ पे आपको क्वालिटी करना है। और बाकी आपको यहाँ से और फीचर्स मिल जाता है जैसे चैट का, तो जैसे हम यहाँ से क्लिक करके लॉन्ग प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करते हैं देखते हैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड हो रहा है और डायरेक्टली आपके फ़ोन में जो ऐप इंस्टॉल रहेगा उसमें डायरेक्टली आपको चैट है वो चला जाएगा। तो अब यहाँ से कोई इसमें कनेक्ट नहीं है तो नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ से आपको QR कोड एक मिल जाता है, तो सबसे पहले हम इस प्लोथिन को यहाँ से उतार लेते हैं। प्लोथिन को उतारने के बाद से आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ, आपको यहाँ पे एक QR कोड मिलता है, उस QR कोड को स्कैन करके आपको यहाँ पे इसका ऐप से उसको डाउनलोड कर लेना है। देख सकते हैं ऐप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे QR कोड जनरेट हो जाएगा, और इसी QR कोड को थ्रू अपने फ़ोन से इस ऐप्स को अपने फ़ोन से इस घड़ी को कनेक्ट कर लेना है। और बाकी आपको इसका कैमरा क्वालिटी वगैरह दिखा देते हैं कि आपको कैसा इसमें कैमरा क्वालिटी है वो मिल जाता है। कैमरा की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका कैमरा क्वालिटी है वो आ रहा है। प्राइस के हिसाब से तो इसका कैमरा क्वालिटी भी मेरे को ठीक ठाक ही लगा, क्योंकि इसका प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है। बाकी आप लोग देख सकते हैं इसका कैमरा क्वालिटी आपको कैसा है, यहाँ पे सो रहा हो रहा है। और बाकी आपको इसमें बिना मेमोरी काफ़ी आप फोटो इसमें खींच सकते हैं। और बाकी यहाँ से इसका फीचर से वो इतना ही मिल जाता है। डायल में जाएंगे, डायल में जाने के बाद से ही इसमें आपको यहाँ से अपना कोई भी नंबर यहाँ से डायल करके डायरेक्टली आपको कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से एक नंबर डायल कर लेता हूँ, 1, 2, 3 जैसे क्लिक करके यहाँ से डायल करेंगे। डायल करने के बाद से देख सकते हैं कॉल है वो कनेक्टिंग होने लगा है, तो थोड़ी देर तो वेट करेंगे उसके बाद से देखते हैं कि कनेक्ट होता है या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल है वो सक्सेसफुली लग चुका है। और बाकी आप लोग यहाँ से इसका कॉल वॉइस को यहाँ से कम ऑफ और कर सकते हैं, और यहीं से कॉल डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स हमें मिल जाता है। बाकी आपको यहाँ पे मैंने जब घड़ी को परचेस किया था तो वहाँ पे मेंशन किया गया था कि इसमें वीडियो कॉल भी दिया गया है और GPS भी दिया गया है। तो चलिए हम अगले वीडियो में उसको टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा अभी हो चुका है,
तो अगले वीडियो में इसका टेस्ट करेंगे काफी आखिर इसमें जीपीएस वो कैसा मिल जाता है। तो आपको उस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले हमको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को लिंक मिल जाएगा, इसका फुल फीचर्स और फुल डिटेल्स वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप इसे क्लिक करके इसका फुल वीडियोस भी देख सकते हैं। बाकी मैं एक दो दिन के अंदर मैं एक घड़ी का या ड्रोन का गिव अवे करने वाला हूं, तो उसमें आपको पार्टिसिपेट लेना है। तो आप इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे ही एक दो दिन के बाद मैं इस चैनल पे उस वीडियो को डालने वाला हूं गिव अवे वाले वीडियो को, तो जो जो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो कर सकते हैं एक दो दिन बाद। और उसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी ये आपको घड़ी पसंद आया है तो इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपको बाय करना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका बाय लिंक है वो दे दिए हैं, तो वहां से बाय कर सकते हैं। बाकी एक दो फीचर इसमें और छूट गया है तो अगले वीडियो में बता दूंगा। ये वीडियो आपको ज्यादा से पसंद आया तो इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।